बोली मेरे पास आना जाती, क्यों इतनी लड़ाइयां करती, काला जादू करती तो सारा संसार मेरे शरणागत हो जाता। जी क्या क्या वजह है, पहले भक्त होते हैं और फिर वही लोग आरोप लगाने लगते हैं? दो चीजें हैं, एक तो जिसकी मैं 10 बार हेल्प कर देती हूँ, एक बार फिर नहीं कई बार होती तो वो दुश्मन हो जाते हैं। दूसरा फिर तुम्हें पता ही है मैं यंग हूँ, बस तुम समझ जाओ कहानी। जिस दिन मैं बोलने पे आ गई तो जिन्होंने मेरे ऊपर, एक दो लोगों ने मेरे ऊपर न्यूज़पेपर पे निकलवाया, दिल्ली में है एक, जिस दिन मैं बोली खिलाफ, मैं बहुत बुरा बोलूंगी फिर समझ जाएंगे कि उनको कैसे मैं बोलूंगी, अभी तक मैं चुप हूँ। जिस दिन जो इंसान बहुत शरीफ होता है ना, तो जब अपनी शराफत छोड़ देता है तो फिर वो बहुत बुरी तरह से अपनी शराफत छोड़ता है। दिल्ली में किसी साधु की बात नहीं कर रही, किसी आम किसी बच्चे की बात कर रही हूँ। वही जब इंसान बहुत शरीफी से जीता है तो वो जीता रहता है, तो जब वो अपनी शराफत छोड़ देता है ना, फिर वो बहुत बुरे तरह से शराफत छोड़ के सच्ची बात बताता है। क्योंकि भगवान राम ने रावण को नहीं मारा, उसके अहंकार को मारा है। क्या बात है। तो इसलिए भगवान की खुराक है अहंकार, भगवान अहंकार को मारते हैं। हमारे जो संतों को मिलता है ऊपर वाले से, जो संत दो पैसे कल के लिए बचा के रखे वो 2 कौड़ी का है, और जो दुनिया वाला 2 पैसे ना बचा के रखे वो 2 कौड़ी। देखो अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमें नहीं पता सुबह उठना कि नहीं उठना, इसलिए जेब खाली करके सो। होने दो, होने दो ना, बात की बात हो रही है, कोई नहीं, होने दो, होने दो, होने दो। ये मैसेज भी क्लियर होना चाहिए कि राधे माँ जो है वो संत नहीं है, राधे माँ भक्त नहीं है, राधे माँ को कुछ पता नहीं है, राधे माँ ये सब जो हुआ है, होने दो ना। आप जो मर्जी सवाल करिए, जो मर्जी सवाल। आई एम नॉट संत, आई एम नॉट साधु, आई एम नॉट गुरु, आई एम ओनली राधे माँ, सबको सीधी राह दिखाने वाली माँ। पर मैंने क्या कहा, पूरे गुरु का सुन उपदेश, जो पूरे गुरु है उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो जो नहीं पूरे मैं उनको कह देती हूँ जय माता दी, जय माता। जो एक सवाल मैं आप बुरा नहीं कर रहा हूँ, जय माता दी, जय माता दी, मेरा बाहरी रूप कुछ और है और अंदर कुछ और है, मैं चुप रही। पर मैंने कहा था वक्त पे बोलूंगे, अभी मेरा वक्त नहीं आया। हमारे जैसे जो होते हैं ना, हमारे अंदर एक रडार फिट है, हम वक्त पे बोलते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ की स्टोरी बता सकती। तुम्हारे ऊपर इस टाइम शनि की दशा चल रही है, और अगर झूठ है तो अभी बोल दो। मैं शनि को जानते नहीं, क्या है नहीं, अगर सुनो मेरी बात, आज नहीं तो कल तुम कन्फेस करोगे राधे मैं अपने सच बोला था। मुझे नहीं मालूम क्या होता है, आज बोल दोगे तो सही रहोगे। आप अभी महामंडलेश्वर अपने को मानती हैं या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं मानती, आई एम ओनली प्योर एंड पाइस। यू नो व्हाट इज प्योर एंड पाइस, यू नो कितना पढ़े हो? बहुत कम। तुम कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट। Ramayana tells us that Lord Rama returned his day to Ayodhya after 40 years of exile. Do you know the place of end of Rama? Here is the place of Rama after the his life is end. मैं क्या कह रही हूँ? मुझे transfer करके दिखाओ अगर तुम graduate हो। Ramayana tells us that Lord Rama returned his day to Ayodhya after 40 years of exile. मुझे भी मेरे सवाल का जवाब दो। 14 साल के बाद जब राम आए तो उन्होंने ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, इसका मतलब क्या है? आंख खूबसूरती देखने वाले की निगाह में। चलो जाओ, मैंने मेरा पास कर दिया। पूछना चाहता हूँ, मैं जितने भी इंटरव्यू आपके देखता हूँ, मेरी आपकी पहली मुलाकात है, मैं एक पहली बात तो ये है, देखो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें, मैं भी आपको प्यार करता हूँ। अच्छा एक बात, तुम्हारी शादी हो चुकी है, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 2 लड़के के 2 लड़कियाँ? आपको पता मेरे ऊपर शनि है, ये नहीं पता बच्चे कितने? इसका मतलब तुम फिर अभी मेरे साथ आर्गुमेंट करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बात पर ये बात मैं जरूर कहूंगी कि तुम्हारे ऊपर शनि है। जो अध्यात्म का आदमी है वो कभी गुस्सा नहीं करता है। आप माँ कर सकती है, क्यों तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें कभी नहीं डांटा?
टॉपिक को चेंज देखो, अगर माँ की डांट खा लोगे दुनिया की डांट कभी नहीं खानी पड़ेगी। मेरी माँ मुझे प्यार करती है और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ये तुम झूठ बोल रहे हो, माँ तुम्हें हमेशा कहती है बेटा कभी भी किसी के गलत इंटरव्यू ना लो। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि आप बीच में से इंटर छोड़ देती हैं, आप मैं छोड़ दी, मेरा लाइफस्टाइल है ये। मेरा कहने का मतलब ये अपना लाइफस्टाइल है ये। मैं अपनी मौज में रहती हूँ, मैं माँ हूँ। नो डाउट, देखो सब चुप करो, जो माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों के साथ 100 नखरे कर सकती है, क्योंकि बच्चों को माँ के नखरे उठाने ही पड़ेंगे।